निशा रसोई की आज की रेसिपी है फालूदा। ये कॉर्नफ्लावर है, ये सब्जी की बीज है, इसको मैंने भिगो ली हूँ। 2 चम्मच सब्जी की बीज को मैंने भिगो कर रख ली हूँ और ये कॉर्नफ्लावर है। अब कॉर्नफ्लावर मैंने इतना ले ली हूँ और इसकी मैं सेवई बना लूँगी। इसको मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लावर को और इसमें, ताकि हमारी सेवई फीकी नहीं रहे, इसलिए मैं 2 चम्मच शक्कर ऐड कर दूँगी। अब मैं पानी डाल दूंगी। पानी मैं इस कटोरी से ही भर कर डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी, मिला लूंगी। 1 कटोरी मैंने कॉर्नफ्लावर ली थी, 1 कटोरी भर कर ही मैंने पानी ली हूँ और मैंने इसको अच्छी तरीके से फेंट ली हूँ। 1 बर्तन में मैंने पानी ले ली हूँ ताकि मैं सेवई बनाऊँ, तो इसमें ठंडे पानी में ही बर्फ़ के ऐड करूँ और ये बर्फ़ को मैं निकाल लूँगी पानी में और फ्रिज में ये पानी को मैं रख दूँगी। पानी में मैंने बर्फ़ ऐड कर दी हूँ, अब इसको मैं फ्रिज में रख दें, ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसको हिलाते हुए कॉर्नफ्लावर को पका लूँगी अच्छे से। अच्छे से मैं इसको मिलाकर पका लूँगी। इस तरीके से मैंने कॉर्नफ्लावर को पका कर ले ली हूँ। देख सकते हैं आप, ये कितना बढ़िया बन चुका है, पक चुका है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी और सेव मेकर में मैं भर लूँगी इसको। अब सेव मेकर में मैं ये कॉर्नफ्लावर जो पका कर ले ली हूँ इसको मैं भर लूँगी। अब मैं बर्फ़ वाले पानी में इसको दबा लूँगी और इस तरीके से मैं सेवई को घुमा लूँगी, गिरा लूँगी। सारे बर्फ़ के पानी में मैंने सेवइयों को ऐड कर दी हूँ ठंडे ठंडे पानी में। अभी 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँ। अब मैं 1 गिलास में रूह अफ़ज़ा ऐड कर लूँगी। अब मैं आइसक्रीम को ऐड कर दूँगी, इसके साथ मैं 1 चम्मच सब्जी को भी ऐड कर दूँगी। सेवई हमारी अच्छे से पानी में सेट हो गई है, अब मैं इसको भी ऐड कर लूँगी। अब मैं दूध को ऐड कर दूंगी। दूध में मैंने शक्कर नहीं मिलाई क्योंकि रूह अफ़ज़ा मीठा है, हमारी आइसक्रीम मीठी है, तो इतना मैं दूध मिला लूंगी। फिर से मैं सब्जी को ऐड कर लूंगी और आइसक्रीम को भी मैं ऐड कर लूंगी। थोड़ा मैं फिर से थोड़ा सा मैं सेवई ऐड कर लूँगी और आइसक्रीम को मैं सारी ऐड कर दूँगी। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं रूह अफ़ज़ा ऐड कर लूँगी। अब थोड़ा मैं बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर दूँगी और फालूदा हमारा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया बन चुका है फालूदा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।